गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज कौन सा दिन है? पहला, दूसरा, तीसरा? तीसरा दिन है आज। और हम उठ गए 5, 4:30 बजे उठ गए। 3 घंटे की नींद है, मतलब नींद तो क्या ली, अभी वापस आके फिर सोचेंगे। अभी हमें जाना है बाहर काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिफेंट सफारी के लिए। तो उठ गए मन मार के, नहाया धोया कुछ नहीं है, यूं ही जाएंगे एलिफेंट सफारी के लिए। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ चलते हैं, हाथी पे थोड़ा घूमते हैं और उसके बाद वापस आके फिर से सोएंगे। चल देखो आलसी अभी भी बैठ के अंदर बैठा है। एक बार बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। हल्की हल्की सुबह हो गई है, हर जगह पक्षी चू 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 चू, एकदम नेचुरल। ओह, पहुंच गए काजीरंगा। ठंड का अंदाजा इसी बात से लगा लो कि सब कुछ फॉगी फॉगी सा है। देखो वो जा रहे रवि और अंकुश। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक्चुअली रिसेंटली 2007 में, रिसेंटली तो क्या, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। टाइगर्स भी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे, अरे वाह, एक नाव। तो अब यहाँ पे सबसे ये फेमस है वन हॉर्न वाले राइनोसॉरस के लिए, जो कि इसका शिकार भी होता है काफ़ी। उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस भी है यहाँ पे काफ़ी। और एलिफेंट है यहाँ पे, डियर है, टाइगर है, और वो जंगली भैंस है बड़े वाले। जल्दी बुलाया, कुछ देखने को मिलेगा कि नहीं? हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। कितने सारे हाथी यहाँ पे। राइड क्वालिटी बहुत ही नेचुरल है। सस्पेंशन एक नेचर के हिसाब से ट्यून किए गए हैं हाथी के। और कुछ दिखा नहीं है, हालांकि कोई बड़ी चीज़ है। रवि, कोई फैक्ट बता काजीरंगा के बारे में। तुझे भी नहीं पता उस जगह पे दो रायनो थे, लेकिन ये हाथियों का झुंड देख के वो भाग गए। देखो अभी भी वो चेज कर रहे हैं उधर। वो देखो राइनो डरा हुआ सा बैठा है। ये बड़ा छोटा सा हॉर्न है इसके। एक दो थे, अभी एक दिख नहीं रहा, एक तो ये रहा। पीछे से कैसा डॉटेड था ये, डर गया है ना। और अभी हाँ बूढ़ा लग रहा है। ये जंगली मुर्गी है, क्या बात है। ये जंगली शुकर, काजीरंगा जाना है तो इन्फॉर्मेशन स्क्रीनशॉट मार के नोट कर लो। चलो बैक टू रिजॉर्ट। थोड़ा सा आपको ये रिजॉर्ट का टूर देता हूँ। नाम तो भूल गया मैं इसका, क्या नाम था, जो भी हो।
ये सब चाय के बागान है, वहाँ दूर दूर तक आप देखो सब चाय के बागान है। और चाय के बागान जो होते हैं मतलब ये जो पेड़ ये जो पौधे जो है ये मतलब उम्र इनकी बहुत ज़्यादा है, दशकों चलते हैं ये। लेकिन कैसे निकलती है चाय, दरअसल ये देखो इसकी जो यंग लीस होती है, जैसे मान लो ये वाला है, ये लिया ठीक है, और इसको ग्राइंड करके इसको फिर प्रोसेस करके जो है चाय बनती है। ये बड़ी वाली लीव्स नहीं तोड़ेंगे, ये छोटी वाली तोड़ते हैं ऐसी वाली। और ये अभी तोड़ दी, इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब हो गई, ये पेड़ ख़राब हो गया, ये देखो सब टूटी 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 है ना, ये तोड़ते रहते हैं। तो चाय की इंडस्ट्री जो है वो एक्चुअल में लेबर इंटेंसिव होती है, लेबर बहुत चाहिए होता है, क्योंकि अब इतने सारे हैं तो दिन भर कलेक्ट करते रहो उसको और करते रहो, इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि लेबर बहुत चाहिए होता है, कोई मशीन इसमें काम कर नहीं सकती है। तो बस वही है, इंसान खुद ही करे तो ही चलता है ये। बाकी ठीक है, अभी ये पेड़ लगे रहते हैं, बस आपको इसको ऊपर से लेवलिंग करनी होती है और तोड़ते रहो, बनाते रहो, करते रहो। धनश्री रिसोर्ट ना, धनश्री रिसोर्ट छोड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, और ये है भास्कर। बाकी और भी कई लोग जुड़े हैं, सबका इंट्रोडक्शन बाद में देखेंगे। अभी जा रहे हैं हम, लंच करेंगे और उसके बाद में हम जाएंगे आज कैंप लगाने ब्रह्मपुत्र के रिवर बेड पे, क्योंकि मतलब चलती हुई ब्रह्मपुत्र नहीं, उसके साइड में रिवर बेड जो सूखा हुआ है वहाँ पे कैंप लगाएंगे। तो चलते हैं, रास्ते में कुछ और मिला लंच के अलावा तो इंटरेस्टिंग बताते हैं। ऑफ रोडिंग पैच है आगे काफी लंबा, और हमारे साथ एक्चुअली एक तो एंडेवर है वो तो निकल जाएगी, लेकिन ये एस्क्रॉस खड़ी है सामने, तो इसके लिए प्रॉपर जगह बनाना जरूरी है। लेट्स सी, कुछ तो शाम की 6 बजे के आसपास का टाइम हुआ है और हम पहुंचे हैं ब्रह्मपुत्र के पास, कहीं पे है पीछे देखो फ्लूट की आवाज आ रही होगी। यहाँ पे आज कैंपिंग करेंगे हम ब्रह्मपुत्र के पास में। जुकाम बहुत ज़्यादा हो गई मेरे को, तो दवाई ले लिया था, वैसे कम ही लेता हूँ दवाई, लेकिन आज ले ली तो ज़्यादा ज़्यादा सर दवाई सजेस्ट की थी मैंने कहा जल्दी सही हो जाओगे मतलब वो एकदम सही दवाई है मैंने सुना लोकल दवाई भी होता है इधर, वो ज़्यादा अच्छी है। जो आसाम में क्या होता है, बहुत सारे ट्राइब होते हैं, हर एक ट्राइब का जो ट्राइब है, ट्राइब का खुद का एक देसी का अपना दारू है। दारू मतलब राइस बियर्स समथिंग है। जो मिसिंग ट्राइब है, जो पी रहे साइमर, वो मिसिंग वाला है। मिसिंग दो तरफ से बनाता है, एक जो हमें चावल रहता है ना, चावल चावल का सरा के बनाता है, चावल का सरा के, और जो यहाँ पे मिलते हैं कुछ ऐसे कुछ हर्ब्स है उसको मिक्स करके जो नशा होता है, नशा होता है उसको मिक्स करके ये बनाता है। जो विदाउट फिल्टर, जो विदाउट फिल्टर करता है वो सफेद वाला, वो सफेद वाला उसको अपंग बोलता है। जो नेक्स्ट जो है ये वाला, बढ़िया, जो ये वाला है जो अपंग है ना, अपंग को फिल्टर करते हैं। फिल्टर कैसे करते हैं, जो ओपियम को, जो आप लोग ने वो देखा ना, ये देखो ये जो मिर्ची है इसको कहते हैं भूत जलो गया, क्या भूत जलो, भूत जलो गया, इसको किंग चिली बोलते हैं। और ये बहुत खतरनाक मिर्ची है, मैंने जस्ट इसको टच किया और खाया और अभी तक इसका फ्लेवर जो है वो लग रहा है। इसका कंपटीशन होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल में, कौन कुछ एक लिमिटेड क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं, एक दो मिर्ची जो भी खा लेता है वो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं होगा ना, थोड़ा पार्ट है, थोड़ा पार्ट है, इसको तोड़ा पात बोलता है ऊपर, तोड़ा पात, तोड़ा पात एक और एक फ्लेवर आता है का नाम है तोड़ा, स्टार Yeah, I'm going to go to the hospital.
हाँ, अभी हमने लोकल फूड खाया और मैंने आपको बताया वो जलो बहुत जलो पड़ा पता नहीं जो भी। उसके बाद अभी म्यूज़िक वगैरह सुनेंगे, कुछ और कहानियाँ सुनेंगे यहाँ के मिसिंग ट्राइब की, और उसके बाद ये हमारे कैंप्स रेडी है यहाँ पे, इनमें हम आज सोने वाले हैं। यहाँ पे लाइट वगैरह बिल्कुल नहीं रहती, बड़ा ही मस्त लग रहा है, और पास वाले गाँव से कुछ म्यूज़िक चल रहा है वो भी बड़ा मस्त लग रहा है। ये देखो इनमें आज हम सोने वाले हैं। राब दुंगेल गो वे दब का नाम दीते मोयाब दुंगेल गो वाल दाग मबम सुना मासी नांग दोस कराब दुंगेल गो वकल दाग কম্বনত চয়ুন কাপিল কাপ দাংলো দেব দাঙ্গ দাঙ্গ সুসংস যোগাইর কাপিল দাঙা সিন গঙ্কল বই। ঠান্ড বহুত হ্যাঁ। আদিবাসী সে আপ ক্যা সমঝতে হো? मतलब मुझे आदिवासी लोग या आदिवासी वर्ड सुन के ना ऐसे याद आता है कि कोई, मतलब ऐसा इमेज आती है कि कोई तीर कमान लिए आदमी होता होगा, वो शिकार करता होगा, मुझे ये सब चीज़ें याद आती है। यहाँ आज नॉर्थ ईस्ट असम के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मिसिंग ट्राइब वो इंग्लिश वाला मिसिंग नहीं, मिस कोल इन सिंह मिसिंग जो है सिंह मतलब मैन कोल मैन कोयल आदमी मिसिंग ट्राइब जो है इनके लोगों से मिला तो थोड़ा मतलब बदल गया। ये लोग ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रहते हैं जहाँ पे हर मानसून बाढ़ आ जाती है, लेकिन अब ये यहीं रहते हैं, इन्होंने सीख लिया है बाढ़ से कैसे निपटना है, और इनको पता है इंटरनेट क्या होता है, इनको पता है देश क्या होता है, इलेक्शन क्या होते हैं। ये मतलब वो आदिवासी नहीं रहे अब जिनको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन अभी भी ना कल्चर पूरी तरह मौजूद है, पुराने फोक सॉन्ग पुराने फोक म्यूज़िक हो, खाना ट्रेडिशन जिस तरीके से अभी देखा आपने खाना, मतलब अच्छा लगा यार आके सच में। पता नहीं क्यों लोग नॉर्थ ईस्ट, अब चलो ठीक है पहले बहुत अफवाह हुआ करती थी आतंकवादी वगैरह जो भी हुआ करती थी, वो बीते ज़माने की बात होगी, 10-15 साल 20 साल पुरानी हो गई, अभी भी लोग नहीं आते यार। अच्छा लगा कि नॉर्थ ईस्ट आया मैं, और शायद अगर मतलब मैं खुद नॉर्थ ईस्ट आया होता ना ऐसा तो मुझे इतना मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता जू और नॉर्थ ईस्ट एडवेंचर टूरिज्म शिवसागर टूरिज्म जो है राजा सर उनका, वो लोग लेके आए, उन लोगों को पता था कि हमारे यहाँ आसपास ऐसा होता है। अगर वो कभी राजस्थान आए तो डेफिनेटली मैं भी कोशिश करूँगा उन्हें ऐसी कई जगह पर ले जाने की। अच्छा लगा है राखी, मतलब चीज़ें बदली है फिर भी वो अपने कल्चर के साथ स्टिक करते हैं। सुबह मतलब इस व्लॉग के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कल सुबह के पार्ट में कि कैसे ये लोग यहाँ पे नदी जो ब्रह्मपुत्र है वो बाढ़ लेके आती है उसके बावजूद भी यही रहते हैं, घरों को कैसे अडेप्ट करते हैं, अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, वो सब सुबह बात करेंगे उन सब के बारे में। आज की रात अभी देखते हैं, कुछ और कहानियाँ सुनते हैं और सोते हैं। कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, कभी अगर आओ आसाम तो यहाँ ज़रूर आना। मैं कोशिश करूँगा कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ किसी का छोड़ने की कोशिश करूँगा तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते होंगे, मतलब वैसे कांटेक्ट नंबर छोड़ूंगा। फिलहाल गुड नाइट, जुड़े रहिए घुमक्कड़ गगन के साथ में, यानी कि मेरे साथ में नॉर्थ ईस्ट के इस एडवेंचर ट्रिप या टूरिज्म ट्रिप पे।